नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कंप्रेसर कोई भी हो, अगर उसमें यूज होने वाले कंप्रेसर ऑयल की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, कंप्रेसर ऑयल में सही लुब्रिकेंट नहीं हो, तो कंप्रेसर में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कंप्रेसर जल्दी खराब होने लगते हैं और उसके जितने भी अंदरूनी पार्ट्स है वो जल्दी घिसने लगते हैं, जैसे कि मेन बेयरिंग, सीआर बेयरिंग, पिस्टन, रिंग्स, सॉफ्ट सील, ये सभी पार्ट्स जो है ये जल्दी घिस जाते हैं और कंप्रेसर जल्दी खराब होने लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस कंपनियों के नाम जो किलस्कर अपने केसी सीरीज कंप्रेसर्स के लिए रिकमेंड करता है। मैं उस कंपनियों के नाम बताऊंगा और उस कंप्रेसर ऑयल के नाम भी बताऊंगा जिसे आप अपने कंप्रेसर के लिए अच्छी क्वालिटी का कंप्रेसर ऑयल का चुनाव कर सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले किलस्कर का किलस्कर एडवांटेज, जो कि एसी और रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर में इसे यूज कर सकते हैं, इसको NH3 और R22 रेफ्रिजरेंट के साथ में यूज कर सकते हैं। इसका इवोपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है +10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -25 डिग्री सेल्सियस है। ये रेफ्रिजरेशन ऑयल किलस्कर का है और ये सिर्फ 20 लीटर के पैक में आता है। आगे है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सर्वोफ्रिज 57 और सर्वोफ्रिज 68। ये कंप्रेसर ऑयल NH3 और R22 रेफ्रिजरेंट के साथ में यूज कर सकते हैं। इवेपोरेशन टेम्परेचर जो है ये +10 डिग्री टू -25 डिग्री सेल्सियस है और ये 200 लीटर के पैक में भी उपलब्ध है। आगे है हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HP का शीतल 68, जो कि आप इसे NH3 और R22 रेफ्रिजरेंट के साथ में यूज कर सकते हैं। इसका इवेपोरेटिंग टेम्परेचर जो है ये +10 डिग्री टू -25 डिग्री सेल्सियस है। ये भी 200 लीटर के पैक में उपलब्ध है। आगे है भारत पेट्रोलियम का भारत फ्रिजोल 46 और भारत फ्रिजोल 68, जो कि आप इसे NH3 और R22 रेफ्रिजरेंट के साथ में यूज कर सकते हैं। इसका इवेपोरेशन टेम्परेचर जो है +10 डिग्री टू -25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है शेल, इसका कंप्रेसर ऑयल है क्लेवस 46 और क्लेवस 68। इसे भी आप NH3 और R22 रेफ्रिजरेंट के साथ में यूज कर सकते हैं। इसका इवेपोरेशन टेम्परेचर जो है ये +10 डिग्री टू -25 डिग्री सेल्सियस है। आगे है कैस्ट्रोल, कैस्ट्रोल रेफ्रिजरेशन ऑयल 46 और कैस्ट्रोल रेफ्रिजरेशन ऑयल 68। इसे भी आप NH3 और R22 रेफ्रिजरेंट के साथ में यूज कर सकते हैं। इसका इवेपोरेशन टेम्परेचर है +10 डिग्री टू -25 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, ये था कुछ किलस्कर द्वारा रिकमेंड किए हुए कुछ ब्रांडेड रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर ऑयल के बारे में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।